सुभाष महरिया, ओम प्रकाश पहाड़िया, ब्रजेंद्र सिंह शेखावत, अशोक वर्मा, रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन मीणा, ये वो नाम हैं जिन्होंने बीते कुछ दिनों में बीजेपी का दामन थामा है। इसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, सचिन पायलट के करीबी हैं और हैं अन्य नेता। अब आप कहेंगे ये तो TV9 राजस्थान पहले ही दिखा चुका है, तो भला फिर इन नामों को दोहराने की क्या जरूरत है। तो इसकी जरूरत इसीलिए आनी पड़ी क्योंकि चुनावी साल है और नेताओं के दल बदलने का दौर शुरू हो चुका है। ऑफर तो सचिन पायलट को मिला है, फिर चाहे आम आदमी पार्टी से हो, चाहे सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP से। बाकी सचिन पायलट के BJP से मिली भगत का आरोप तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही लगा चुके हैं, मगर कहा जा रहा है कि अब BJP की नजर पायलट नहीं बल्कि अपने पुराने नाराज साथियों और कांग्रेस में परेशान नेताओं को अपनी ओर लाने पर है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चुनावी साल से पहले BJP की नजर अपने उन नेताओं पर है जो खफा होकर पार्टी छोड़ गए थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम है मानवेंद्र सिंह का। मानवेंद्र सिंह अटल सरकार में मंत्री रह चुके हैं और जसवंत सिंह के बेटे हैं। जसवंत सिंह ने 2014 में बाड़मेर से टिकट मांगा और टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय ही पर्चा भर दिया। उस वक्त मानवेंद्र सिंह BJP की ओर से शिव विधानसभा सीट से विधायक थे। 2018 तक वो विधायक रहे और 2018 में उन्होंने BJP का दामन छोड़ दिया। कांग्रेस ने उन्हें 2019 में बाड़मेर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, मगर वहां मानवेंद्र सिंह को BJP के उम्मीदवार कैलाश चौधरी से हार का सामना करना पड़ा। अब विधानसभा चुनाव से पहले माना जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह BJP में वापसी कर सकते हैं। मानवेंद्र सिंह के साथ ही पूर्व मंत्री रह चुके सुरेंद्र गोयल, पूर्व विधायक विजय बंसल, देवी सिंह भाटी, पार्टी से निष्कासित चल रहे रोहिताश्व शर्मा और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड़ाला के भी वापसी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पार्टी में पुराने नेताओं की वापसी की एक वजह मानी जा रही है कि BJP का कर्नाटक हारना। कर्नाटक की हार के साथ ही BJP ने अपने पुराने नेताओं को तवज्जो देना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत राजस्थान से ही हो गई है। राजस्थान में कांग्रेस की तर्ज पर एक समय में पुनिया वर्सेस राजे का संघर्ष देखा जा सकता था। सतीश पुनिया तब पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। 2023 का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा इसको लेकर दोनों के बीच तकरार चल रही थी। पुनिया समर्थक जहां उसके CM बनने के नारे लगाते थे, तो वहीं वसुंधरा के समर्थक कहते थे केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में वसुंधरा। खैर, इस साल जब BJP ने राजस्थान में नए प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के नाम का ऐलान कर दिया, तो इस विवाद पर भी कहा जा सकता है पूर्व विराम लग गया है। अब पुराने नेताओं की वापसी से BJP को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान, ये तो 2023 के विधानसभा चुनाव में ही पता लगेगा। 2023 के विधानसभा नतीजे 2024 पर क्या असर डालते हैं ये भी देखना अहम होगा। वैसे तो राजस्थान में 2014 से लोकसभा सीटों के मामले में BJP 25 की 25 सीटें जीतती आ रही हैं। हाँ, 2019 में उसे 24 सीटें मिली, मगर एक सीट उसने उस वक्त गठबंधन के तौर पर RLP पार्टी को दी थी, जहां से हनुमान बेनीवाल सांसद है। फिलहाल हनुमान बेनीवाल BJP से दामन छुड़ा चुके हैं और वो इस बार विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के तौर पर अपना दावा ठोक रहे हैं। वैसे हनुमान बेनीवाल भी कभी BJP में हुआ करते थे।